बिस्मिल्ल रन रही वी आर डिस्कसिंग फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट आज हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे दैट डील्स विद एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इट्स टॉपिक इज न्यू एंड द कॉन्सेप्ट इज अ बिट डिफरेंट बट अदरवाइज रिस्क फैक्टर्स आर प्रीटी सेम यहाँ पे जब है से इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट दिस मीन एप्लीकेशन एंड लुकिंग एट द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टिव पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस द बोर्ड रिस्क रिलेटिव एम्प्लीकेशनस क्या हैं हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं स्ट्रेटजीज क्या हैं पाथ क्या होगा वो हम इसमें डिस्कस करें तो इट्स एन इमर्जिंग टॉपिक वर्ल्ड वाइड इस पर एप्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशन आर बींग कंसर्न अबाउट इट सो वी नीड टू लर्न हाउ इट गो हाउ इट्स गोइंग टू अपलाइड और ये इस पर क्या इसके डायनेमिक्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस एनालिटिक्स नीडेड टू सपोर्ट अफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट क्या हमें अगर अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करनी है तो उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म होगा क्या स्ट्रक्चर होगा क्या प्रोसेसेस उसमें अप्लाई होंगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड हम यहां सीखेंगे दैट इज़ रिस्क गवर्नेंस मेक श्योर यू कीप दैट इन योर माइंड

रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा पूल क्या होगा जिससे हम ये लेके रूट करेंगे रिस्क पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कि व्हाट इज़ आर स्ट्रेटजी कि हमने इनको कैसे डील करना है क्या हमारा इनके साथ इम्प्लीकेशन होगी तो प्रॉपर रूल्स एंड सेट ऑफ गाइडलाइन शुड बी तेयर रिस्क मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सो वंस वी एव आइडेंटिफाइड के क्या रिस्क है तो फिर हमने उनकी मिटिगेशन कैसे करनी है उसको कैसे रिड्यूस करना है मैनेज करना है कुछ को हमने ट्रांसफ़र कर देना है कुछ को इवन हमने एक्सेप्ट कर लेना है तो ऑल एज टू बी देयर इन द रिस्क गवर्नेंस स्ट्रैटेजिक रिस्क एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन और ये एक बात नहीं है कि आइसोलेशन में वो अपना रिस्क मैनेज करें ये डिपार्टमेंट अपना नहीं नो इट शुड बी अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल तो एट्स अ स्ट्रटिजिक मैटर दैट शुड बी इंटीग्रेटेड लिंक्ड होना चाहिए उसके लिए कैसे लिंक्ड हो सकता है इस इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन की दैट्स कमिंग फ्रॉम द टॉप सो व्हेन वी टॉप वी मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी सी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स यानी कि टॉप मैनेजमेंट से ये चीज़ ड्राइव होगी नॉट जस्ट बाय वर्कर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स सो so, ये एक पूरा उसका इम्पैक्ट आएगा कि वो उसको कितना वेट दे रहे हैं वट आर आर गोल्स वट आर आर पाथ जिसको हमने ले कर इसमें अडॉप्ट है, है कौन से रिस्क एक्सेप्टेबल हैं कौन से बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किस को हम टॉलरेट करेंगे ये सारी चीज़ें टॉप से ही ड्राइव हो रही होंगी एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हम आपको मैं बार बार ई आर एम भी यूज़ करूँगा प्रस्पेक्टिव डील विद द होल ऑर्गेनाइजेशन किसी एक सेगमेंट की पार्ट की बात नहीं है पूरे यूनिट की बात हो रही है

रूम और लिटल एक्सेप्टेंस के जी थोड़ा बहुत इशू हम मैनेज हो जाएगा द प्रोसेस इंक्लूड गाइडेंस ऑन वर्स लॉसिस दैट कैन बी टॉलरेटेड फॉर सनेरियो तो सैनैरियो वाइज हमारी डिटर्मिन होती है कि किस सिचुएशन में वट इज़ आर एक्सेप्टेबिलिटी एलिमेंट्स ऑफ गुड रिस्क गवर्नेंस आर एज फॉलोज टू प्रोवाइड अ फॉरम वेयर मैनेजमेंट कैन डिस्कस रिस्क फ्रेमवर्क एंड की इशूज दैट कम हाउ कि हमें एक फोरम होना चाहिए कि जहां पे रिस्क के इश्यूज डिस्कस हों कि एक छुट्टी पाथ हो पैटर्न हो और इसका जो की टूल है ईआरएम ERM का दैट इज सीआरओ व्हाट इज सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चीफ रिस्क ऑफिसर इट कुड बी इंडिविजुअल पर्सन हाइड स्पेसिफिकली या किसी को डेजिग्नेट किया जाता है बट देयर रोल इज द रिस्क फैक्टर